गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक ब्रैड लर्न विद एम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबाएं और उस पर ऑल सेलेक्ट कर लो, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये है आज का सुबह का डोज, और शाम का डोज आप सभी लोग लेते होंगे, जो नहीं लेता है वो भी लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट डोज है आपका दोनों, ठीक है ना। सुबह आपका 10:30 पे, शाम को 9 बजे, तो रोजाना दो डोज लेते रहो, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। शाम का डोज आपका करंट अफेयर्स का नहीं है, वो आपका डोज है जनरल अवेयरेंस का और जीके का। तो सभी बच्चे आ गए, आंसर सभी बच्चे देते जाएंगे। ये आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला डोज है, तो रिवीजन करते रहेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी और एग्जाम में आप अच्छे से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न पढ़ता हूँ मैं और आप सभी लोग ध्यान देंगे और उसके बाद फिर आंसर देंगे। 23 मार्च 2020 को फीफा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर कोरोना वायरस यानी COVID-19 के विरुद्ध एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में किस भारतीय फुटबॉलर को भी शामिल किया गया है? किस भारतीय फुटबॉलर को शामिल किया गया है? आंसर इसका सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी आंसर दे दो गाइस, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सिर्फ 10 मिनट का डोज होता है आपका, 10 मिनट की गोली लेते रहेंगे तो स्वास्थ्य आपका सही रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम के टाइम आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। चलिए आंसर दो, बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सुनील छेत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लो, क्या होगा इसका राइट आंसर। चेन्नई तो हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने हेतु कहाँ पर ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया है? कहाँ पर शुरू किया गया, जल्दी आंसर दो, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, कौन सा सही हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? अगर आपने करंट अफेयर्स तो रोजाना पढ़ते ही होंगे तो रिवीजन भी करना बहुत जरूरी है, तो बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। गाइस मैं आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाऊंगा, डेली रिवीजन करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, डेली रिवीजन कराया करूंगा आपका, जो कोई भी यूट्यूबर नहीं कराता है वो मैं कराऊंगा, दिक्कत मत लो आप, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो। चलिए आंसर दो इसका क्या होगा, आंसर दो क्या होगा गाइस इसका। हर रोज़ ज्वाइन करना मत भूलिएगा 10:30 पे और शाम को 9 बजे, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें सिलेबस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं इसी तरीके से उसमें, चलिए आंसर तो लाइव क्लास हो सकती हैं दोनों, आंसर तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अभी तक अगर शेयर नहीं किया क्लास को शेयर कर दो, क्लास को शेयर कर दो जल्दी से, जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन उतना ही मजा आएगा क्लास में। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी दिल्ली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दिल्ली एकदम सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लो। 10 अप्रैल 2020 को किसने देश में ऑनलाइन शिक्षा के जरिए लोगों को आपस में जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के विचार जानने के उद्देश्य से एक सप्ताह लंबा भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया? जल्दी बताओ, ये आज का अभियान से संबंधित क्वेश्चन है, जो आपके अभियान है ना उनसे संबंधित क्वेश्चन है आज के। आज चलिए आंसर बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर का, जल्दी जल्दी आंसर दो, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, एक बार कमेंट बॉक्स में एक और मुद्दे बताओ, जो रमेश पोखरियाल है, जो रमेश पोखरियाल है ये किस मंत्रालय से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, जल्दी बताओ, फिर उसको इस क्वेश्चन का आंसर बताना, जल्दी बताओ बस, जल्दी बताओ क्या क्या होगा उसका राइट आंसर। रमेश पोखरियाल जो है वो किस मंत्रालय से संबंधित है? गाइस नॉलेज इम्प्रूवमेंट आप करते रहेंगे अपने, ठीक है ना, तभी आप अच्छे से एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। सुबह का और शाम का डोज लेते रहो रोजाना। चलिए इसका आंसर जानते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, उसका सभी बच्चों ने दे दिया, बहुत बढ़िया। 5 मई 2020 को किसके सहयोग से नीति आयोग ने COVID-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की? जल्दी बताओ कौन सा फाउंडेशन था या कौन सा मंत्रालय था वो, जल्दी बताइए मुझे इसका राइट आंसर बताओ। सभी क्वेश्चन वही होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और एज इट इज एज पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए जल्दी बताइए क्वेश्चन आपका, मैं पूरा लेके आता हूँ, पूरा कवर करता हूँ ये क्वेश्चन, देखिए पूरा कवर करता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है आपका, हो सकता है प्रश्न में से ही कोई क्वेश्चन बन जाए, तो सभी ये बच्चे ध्यान देंगे प्रश्न पे भी और आंसर पे भी, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पीरामल फाउंडेशन, कौन सा हो जाएगा, पीरामल फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत की। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसको क्या होगा इसका राइट आंसर। हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के सबसे बड़े अभियानों में से एक वंदे भारत मिशन के तहत 7 से 13 मई 2020 के बीच कितनी उड़ानें संचालित करने का निर्णय किया है?
कितनी उड़ाने हैं जिन्हें संचालित करने का निर्णय लिया है। 7 मई से 13 मई तक ये अभियान चला था, जल्दी बताओ। 7 से 13 मई तक चला था अभियान, ये सभी को पता होगा। कितनी उड़ानें आएंगी उसमें, कितनी उड़ानें की गई थी जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया गाइस, कितनी 64, ठीक है ना। कोरोना वायरस से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी हाल ही में PCS का इंटरव्यू चला था, अभी आपका जुलाई में 9 जुलाई को एक PCS का इंटरव्यू हुआ था। PCS के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पता है कहाँ से पूछे गए थे? कोरोना वायरस से ही सबसे ज़्यादा पूछे गए थे, सबसे ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ये रहा, तो आप समझ सकते हैं कि जब बोर्ड आपका इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो पेपर में क्यों नहीं पूछ सकता। चलिए आंसर बताओ इसका क्या होगा। 10 मई 2020 को केंद्र सरकार ने कितने द्वीप देशों की कोविड-19 महामारी से बचाव में सहायता के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया? जल्दी बताओ गाइस, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दो, ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही मजा आएगा पढ़ने में हर रोज। चलिए गाइस आंसर दो, इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 5, ठीक है ना, 5 ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ये रहा, इस क्वेश्चन को एक बार देख लो। 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस पर किस मंत्रालय ने आई कमिट अभियान, कौन सा अभियान, आई कमिट अभियान की शुरुआत की? ये अभियान से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन आपका अभियान से जरूर पूछा जाएगा, सिर्फ पूछा एक ही जाएगा लेकिन पूछा जरूर जाएगा। चलिए जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? विद्युत मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय एकदम सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सभी को समझ में आया नहीं आया? सभी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को एक बार देखो। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान यानी कि नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया? नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया, जल्दी बताओ कौन सा संस्था है वो, कौन सी संस्था है जिसने नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया पोर्टल, जल्दी बताइए एक बार, सभी बच्चे बता देंगे मुझे। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नीति आयोग, कौन सा? नीति आयोग, थिंक टैंक जिसे बोलते हैं, नीति आयोग जिसे हम थिंक टैंक बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी जल्दी बताओ मुझे, इसकी स्थापना कब हुई? पहले ये योजना आयोग के नाम से था, फिर उसके बाद इसका नाम बदल देगा था, जल्दी बताओ कब बदला गया? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? बहुत बढ़िया, कब हुई? 1 जनवरी 2015 में, ठीक है ना। चलिए आगे, अगर इसके प्रमुख की बात करें तो प्रमुख कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं रहा, इसको बताओ। 1 जुलाई 2020 को किस प्रदेश में किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा? किस प्रदेश में किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा? जल्दी आंसर दे दो एक बार सभी बच्चे, सभी बच्चे मुझे आंसर दे देंगे। 1 जुलाई 2020 से किस देश में किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा, किस प्रदेश में चलाया जाएगा जल्दी बताओ? कौन सा प्रदेश है जिसमें किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा? कौन सा अभियान? किल कोरोना अभियान 1 जुलाई 2020 से आरंभ हो चुका है, ये अब आरंभ हो चुका है, जल्दी बताओ मुझे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। का बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश MP में, ठीक है ना। क्या अगले क्वेश्चन की तरफ चलें? चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, आंसर दे दो एक बार सभी। 1 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष संचारी, कौन सा? विशेष संचारी रोग अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। यह है अभियान प्रदेश के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा, कितने जिलों में किया जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दो गाइस। और सभी बच्चे सुबह का डोज और शाम का डोज लेना नहीं भूलेंगे, अब शाम को 9 बजे लैब आना, ठीक है ना। अब अगला क्लास कब होगा? शाम को 9 बजे, जो हर रोज होता है, और आपका ये भी हर रोज होता है 10:30 पे, और वो आपका शाम को 9 बजे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 75 जिले, ठीक है ना, 75 जिलों में। सभी क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलो, वीडियो को शेयर कर दो सभी के पास। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।